बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है, बागी मंत्रियों पर सीएम उद्धव की बड़ी कार्रवाई। बागी मंत्री, क्योंकि कल से ही ये साफ हो रहा था, बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए हैं। उनके साथ कोई शिवसेना का विधायक मंत्री टिका ही नहीं। उदय सावंत आखिरी थे, वो भी चले गए थे। ऐसे में अब ये मंत्रालय दूसरे को सौंपे जा रहे हैं। दिवेश, बागी मंत्रियों के विभाग अब दूसरे मंत्रियों को दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, यानी ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी तो यही पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो भी बागी मंत्री है, जैसे कि एकनाथ शिंदे गुट ने बताया था कि 8 मंत्री उनके साथ हैं और अन्य भी बहुत सारे, जैसे उदय सामंत ने भी अब ज्वाइन किया है, तो इन सारे मंत्रियों के जो मंत्रालय हैं उन्हें दूसरे लोगों को सौंपा जा रहा है, ताकि कोई तरीके का सवाल ना कोई उठा पाए कि इन मंत्रालयों के काम कैसे चल रहे हैं। जैसा कि आरोप प्रवीण दरेकर, जो कि बीजेपी के विधान परिषद के लीडर है, उन्होंने भी लगाया था कि 48 ही घंटों में कुछ 160 से ज्यादा जीआर पास कर दिए गए। उसके बाद ये पता चला कि करीब 280 जीआर 4 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने पास कर दिए थे, जब से ये रेबेलियन शुरू हुआ था। और ऐसा ही लग रहा है अब भी कि जब तक कि कोई और आक्षेप न उठाए या गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट के काम पे कोई रोक न लगे, तब तक वो दूसरे जो मंत्री इनके पास बचे हैं उन्हें कार्यकाल देकर, दूसरे मंत्रालय का कार्यकाल देकर, उन सारे मंत्रालय के जो ऑर्डर्स है, जीआर है, उन्हें किसी तरीके से पास कराने की ये होड़ लगी हुई है, उससे उन्हें किसी तरीके से पास कराने की कोशिश चल रही है। अभी तो यही समझ में आ रहा है, आगे और भी हो सकता है कि और भी कुछ मंत्रालय, और भी अगर कुछ लोग जाके जुड़ते हैं तो उनके भी मंत्रालय इसी तरीके से ट्रांसफर कर दिए।